हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और इंस्टेंट नाश्ता की रेसिपी। इस नाश्ता को देखने के बाद गारंटी आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और फटाफट इसे बनाना ट्राई करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ता को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बाउल और एक स्टेनर। स्टेनर के हेल्प से हम यहाँ पे लेंगे एक कप सूजी, उसे हम छान लेंगे। इतने नाश्ते में 2 से 3 लोग बहुत ही आराम से खा सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो सभी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। तो सूजी आप देख सकते हैं हमने अच्छे से स्टेन कर लिया है। सूजी आप मोटी पतली कोई भी ले सकते हैं। तो हमने अब सूजी ऐड करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच दही। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल दही होनी चाहिए। तो दही ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट अनुसार नमक। उसके बाद इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे। एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। बैटर हमारा ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अभी आपको ये बैटर पतला लग रहा है, लेकिन इसे अभी हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के, जिससे सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। 10 से 15 मिनट हो चुका है, अब आप देख सकते हैं सूजी भी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी। जो पहले पतली थी, लग रहा था बैटर बहुत पतला है, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में हमें बैटर को रखना है। तो अब चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस पे। तो दूसरे प्रोसेस पे हम यहाँ पे लेंगे एक पैन। अब पैन में डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल और फ्लेम कर देंगे मीडियम। जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे टेस्ट अनुसार 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप तीखा और पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हरी मिर्च हमारी हल्की लाल हो जाएगी, हम उसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर और कुछ हरी मटर। इन सभी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, जिससे हमारे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे हम मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे मटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और कुक हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं टमाटर बहुत ही अच्छे से मैश हो गया है और मटर भी हमारी सॉफ्ट हो गए। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बॉयल किए हुए और मैश किए हुए आलू और इसे हम लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भी आलू हमारी अभी बड़ी साइज़ की, उसे हम मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी आलू बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब स्टफिंग हमारी हो गई है रेडी, इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और फिर हम यहाँ पे लेंगे एक पैन या तवा, फिर उसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल और उसे तवे पर अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब हम उठा लेंगे बैटर को और 1-1 चम्मच बैटर को फैलाते हुए हम तवे पे डालेंगे। और उसके बाद हल्का से हम इसे प्रेस कर लेंगे, जिससे साइज़ इसकी थोड़ी सी बड़ी हो जाए। इसे हमें बहुत थिक या फिर बहुत बड़ा साइज़ नहीं करना है। पैन केक के शेप में इसे हमें बनाना है। और जैसे ये वन साइड से कुक हो जाएगा, इसे हम दूसरे साइड से भी पलट करके हल्का गोल्डन कलर आने तक के लिए इसी तरह हम इसे सेक लेंगे। और इसी प्रोसेस से हम सारे पैनकेक को तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पैनकेक तैयार किया है। अब इसमें हम लगाएंगे टमाटो सॉस। टमाटो सॉस बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो टमाटो सॉस लगाने के बाद हम इसमें रखेंगे स्टफिंग को। उसके बाद एक साइड हम स्टफिंग को अच्छे से फिल कर लेंगे और फिर उसके बाद दूसरे साइड को उठा करके हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो इसी प्रोसेस से हम सारे नाश्ते को रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं मैंने सारे नाश्ते उसी प्रोसेस से रेडी कर लिया है। अगर आप तीखा पसंद करते हो तो आप टमाटो सॉस की जगह पे चिली सॉस भी आप लगा सकते हो। नाश्ते को आप गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए या फिर टमाटो सॉस या फिर चिली सॉस के साथ इसे सर्व कीजिए। यकीन मानिए बच्चों के बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियोज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।